Hello guys, my name is Viren Singh and welcome to the Smart Learning Academy. So guys, आज मैं discuss करने वाला हूँ आपसे कि what is the gene interaction. ठीक है, gene interaction के बारे में हम discuss करेंगे कि what is the gene interaction, कैसे इन चीज़ों को study करेंगे gene interactions के बारे में. मैं लेके आऊँगा upcoming videos में सारी चीज़ों को बताऊँगा, tricks, gene interaction, population, genetics, फिर degree को कैसे solve करना है वो सारी चीज़ें बताएंगे. तो आज के वीडियो में चलिए देखते हैं कि जीन इंट्रैक्शन क्या होता है और कैसे चीज़ों को देखेंगे. जीन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट इज़ द जीन एंड वॉट इज़ द एलील. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट वॉट इज़ द एलील. अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो वॉट इज़ एलील, अगर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का ये कहाँ पे पार्ट है, काइनेटोकोर का पार्ट है, सेंट्रोमियर का पार्ट है, जहाँ पे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर का पार्ट है. सेंट्रोमियर के इस पार्ट से आपके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है. अब कोई भी एक क्रोमोजोम, देखिएगा यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, मान लीजिए कैपिटल ए, और इसी के जस्ट होमोलॉगस पार्ट पे अगर इसी का एक म्यूटेंट फॉर्म हो, दैट इज द स्मॉल ए. इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ए इज़ अ म्यूटेंट फॉर्म, या इन्हीं दोनों फॉर्म को हम बोलते हैं एलील. इन्हीं दोनों फॉर्म को बोलते हैं एलील. कैपिटल ए इज नोन एज डोमिनेंट एलील एंड द स्मॉल ए इज नोन एज द रिसेसिव एलील. अगर डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील की एक्टिविटी को सप्रेस करता है तो हम उसको बोलते हैं एलीलिक इंट्रैक्शन. व्हेन द इंट्रैक्शन इज इन बिटवीन द एलील्स देन इट इज़ नोन एट द एलीलिक इंट्रैक्शन. जब कोई भी इंट्रैक्शन एलील्स के बीच में होता है, जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए कि कैपिटल ए जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, कैपिटल ए रेड कलर प्रोड्यूस करता है और स्मॉल ए जो है वाइट कलर प्रोड्यूस करता है, यही करता है. तो यहाँ पे देखिएगा, अगर कैपिटल ए कैपिटल है तो कौन सा कलर मिलेगा, रेड मिलेगा. कैपिटल ए रेड मिलेगा. अगर कैपिटल ए स्मॉल है तो कैसे मिलेगा, तो भी रेड मिलेगा. क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील इस रिसेसिव एलील के एक्शन को सप्रेस कर देता है. अगर स्मॉल है तब जाके आपको वाइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट एलील है ही नहीं. सो ऐसे इंट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एलीलिक इंट्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीन इंट्रैक्शंस को. जीन इंट्रैक्शंस की जब बात करेंगे तो जीन इंट्रैक्शंस में देखेंगे आप क्या होता है यहाँ पे नॉर्मल, कि अगर एक और ए एंड बी आर द टू जीन्स, दो तरीके के जीन्स होते हैं ए एंड बी. इन दोनों जीन्स को इनमें अगर एक जीन जो है दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, चाहे ए सप्रेस करे बी को, चाहे बी सप्रेस करे ए को, अगर ये जीन आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, जब दो अलग अलग लोकस पे, ये क्या है, जीन लोकस है, ए एंड बी जीन लोकस, दो अलग अलग लोकस पे अगर दो जीन्स एक दूसरे की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं तो उनको बोला जाता है जीन इंट्रैक्शन, जब इंट्रैक्ट करते हैं. और इसी टर्म को बोला जाता है एपिस्टेसिस, ठीक है, एपिस्टेसिस बोला जाता है. तो जीन इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जीन इंट्रैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होता है कि जीन, जब यहां पे जीन की बात करते हैं, जीन ए, ए के दो पार्ट होंगे, एक कैपिटल ए दैट इज द डोमिनेंट फॉर्म, डोमिनेंट एलील भी होगा, एक कैपिटल ए इज द डोमिनेंट फॉर्म एंड स्मॉल ए इज द रिसेसिव फॉर्म. और इसी तरीके से जीन बी का भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म होगा. जब जीन ए जो होता है इसका डोमिनेंट फॉर्म इस जीन बी के रिसेसिव फॉर्म को, इस जीन बी के एक्टिविटी को सप्रेस करता है. जब जीन ए का डोमिनेंट फॉर्म जीन बी के दोनों फॉर्म के ऊपर एपिस्टेसिस फिनोमेना शो करता है, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, तो ऐसे फिनोमेना को बोला जाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस. और अगर स्मॉल ए, जैसे कि रिसेसिव एलील जो है, वो अगर जीन बी की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, उसको बोलेंगे हम रिसेसिव एपिस्टेसिस. नाउ सो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, एक जीन इंट्रैक्शन है जो कि आपको कैपिटल ए सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट एलील सप्रेस कर रहा है जीन बी की एक्टिविटी को, और अगर रिसेसिव एलील सप्रेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, तो नाउ एक टर्म आता है कि व्हाट इज द स्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक एंड द हाइपोस्टैटिक. मान लीजिए कि ए जीन जो है, वो सप्रेस कर रहा है किसकी एक्टिविटी को, बी की एक्टिविटी को. इट सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ द बी.
बी की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? अगर ए जो है बी की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है तो ए ऊपर है, epistatic, ए इज नोन एज द epistatic जीन, इसको बोला जाएगा epistatic जीन, यानी कि ये सुपीरियर है, ये आपके सप्रेस करेगा बी को, बी जो है दब जा रहा है, बी की एक्टिविटी सप्रेस कर दी जा रही है, तो इसी को बोलते हैं hypostatic जीन। जिसकी एक्टिविटी सप्रेस हो जा रही है और जिसकी बाई ये होता है किसके द्वारा हो रही है, ये बाई होता है और ये टू होता है कि किसका हो रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा ये epistasis phenomena शो करते हैं उसको बोलते हैं epistatic जीन, और जिसका एक्टिविटी सप्रेस हो रहा है उसको बोलते हैं hypostatic जीन, ठीक है। तो नॉर्मली मेंडेलियन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि जो मोनोहाइब्रिड रेशियो होता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो के केस में क्या होता है कि ये कई सारे रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है जिसको बोला जाता है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटिपिक जो रेशियो होता है 1:2:1, ये होता है मोनोहाइब्रिड के केस में। लेकिन अगर डाईहाइब्रिड केस की बात करते हैं, डाईहाइब्रिड केस की बात करेंगे तो डाईहाइब्रिड केस में क्या होता है, डाईहाइब्रिड केस में होता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, जीनोटिपिक रेशियो जो 1:2:1:2, 2:4:2, 1:2:1, ये रेशियो होता है जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये तरीका भी बताया गया था कि कैसे आपको लिखते हैं, तो चलिए इन्हीं रेशियो को मॉडिफाई किया जाएगा, लेकिन टाइप्स ऑफ देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ epistasis। अगर टाइप्स ऑफ epistasis पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ epistasis पे जाएंगे, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कितने तरीके के epistasis होते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उन रेशियो के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ epistasis कितने टाइप्स होते हैं। एक बोलते हैं पहला डोमिनेंट, पहला जो होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट epistasis, सेकंड जो होता है वो होता है डुप्लीकेट डोमिनेंट, जिसको बोला जाता है डुप्लीकेट डोमिनेंट epistasis, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है दैट इज रिसेसिव epistasis, थर्ड जो होता है रिसेसिव epistasis होता है, और फोर्थ इज द डुप्लीकेट रिसेसिव, ठीक है, डुप्लीकेट रिसेसिव epistasis, एंड फिफ्थ जो होता है वो होता है डोमिनेंट रिसेसिव epistasis, इसी को बोलते हैं डोमिनेंट रिसेसिव epistasis। नाउ अगर मैं बात करूं कि रिसेसिव epistasis को ही बोला जाता है सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, इसी को बोला जाता है सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, और डुप्लीकेट रिसेसिव को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, या तो सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन बोला जाता है रिसेसिव epistasis को, एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन बोला जाता है डुप्लीकेट रिसेसिव epistasis को। इन epistasis के बारे में हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, ठीक है, कि कैसे इनके पाथवेज, कैसे रेशियो को आप आराम से रिमेंबर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, ठीक है। तो गाइस कहते हैं कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ गाइस, अनअकैडमी पे लाइव सीखिए, मेरे से लाइव पढ़ाते हैं, उसके बाद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, वीरेन सिंह सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में यू विल फाइंड माय प्रोफाइल, आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाइव मिनट्स लेने वाला मैं एजुकेटर हूँ CSIR कैटेगरी में अनअकैडमी प्लस पे, तो आइए लाइव पढ़िए मेरे साथ वहाँ पे, और एडवांटेजेस आपको बता दें, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, यू जस्ट नीड अ मोबाइल और लैपटॉप विथ एन इंटरनेट कनेक्शन, नो नीड टू गो एनीवेयर, वेरी इफेक्टिव कोर्सेज आर देयर, बहुत ही इफेक्टिव कोर्सेज वहाँ पे मिलते हैं, यू कैन एक्सेस ऑल टॉप एजुकेटर्स, ये रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं आप वहाँ पे, वीकली क्विजेज आर देयर, एवरी सेशन इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स है वहाँ पे, वेरी लो बजट होता है एंड मोर देन इनफ टू क्लियर द CSIR एग्जामिनेशन। गाइज इससे पहले यहीं पे अनअकैडमी पे मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स में से 15 से 16 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं CSIR को, और LS भी काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई किया है, एंड ये बात करते हैं आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, स्मार्ट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपको अनअकैडमी प्लस पे। आइए अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करिए, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, सेलेक्ट योर कैटेगरी, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करें एंड
अपने प्लान को सेलेक्ट करें, प्लान सेलेक्ट करें चाहे 3 मंथ 6 मंथ और ये सारी चीज़ें, और रेफरल कोड को यूज़ करना ना भूलें जब भी आप इनको सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन, विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।